कॉमन महिलाओं पर हो रही अत्याचार को रोकने का सिस्टम लागू करें। इस पर इनका ध्यान नहीं है, इनको ध्यान है सिर्फ और सिर्फ नफरत और नफरत की राजनीति को बढ़ावा देना। अब इस देश में चलने वाला नहीं है। महागठबंधन के जो अपने एजेंडे हैं वो देश हित में हैं, उसके व्यापक स्वरूप हैं, और हमारे जो समर्थक हैं, महागठबंधन को मानने वाले जो लोग हैं, इन खबरों से उन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। पिछले 24 घंटे में जो बिहार और देश में चर्चाएं छिड़ी है, उनमें बिहार सबसे आगे है। खास करके बिहार में चर्चा छिड़ने का कारण हुआ कि बिहार से कई दल जहां एनडीए की बैठक में शामिल हुए, वहीं नीतीश कुमार ने इस देश भर में विपक्ष को जुटा करके एक नाम इंडिया दिलाया और उस बैठक में बेंगलोर में शामिल हुए। लेकिन नीतीश कुमार जैसे ही बैठक को छोड़ करके चले आते हैं, प्रेस वार्ता में शामिल नहीं होते हैं, उनके साथ तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद भी आ जाते हैं, तो उसके बाद से चर्चा शुरू हो जाती है कि ये दोनों नाराज हैं। अब इस बात का जवाब कोई देने के लिए तैयार नहीं था। न तो बेंगलोर से आते समय एयरपोर्ट पर किसी तरह की कोई बात हुई और न पटना आने के बाद किसी तरह का मीडिया के सामने कोई बयान आया। 12 घंटे बाद हमने आपको बताया था कि ये बयान आने के बाद ही कहा जा सकता है कि आखिर बेंगलोर में हुआ क्या, क्योंकि पोस्टर भी लगे थे नीतीश कुमार के खिलाफ, वो भी एक मुद्दा था जिसकी जानकारी लोगों को लेनी थी। अब इन सारी बातों को लेकर के नीतीश कुमार ने 24 घंटे के बाद जब अपना जुबान खोला, चुप्पी तोड़ी, तो उन्होंने बताया कि ये नॉर्मल बात है, मुझे आना था राजगीर के लिए इसलिए आए। लेकिन राजगीर में जो उद्घाटन कार्यक्रम हो रहा था उसमें तेजस्वी यादव की अनुपस्थिति और उनकी पार्टी के द्वारा किसी भी तरह का कोई बयान बेंगलोर से आने के बाद नहीं आना, इस बात की तरफ इशारा कर रहा था कि कुछ तो बात है। इसको लेकर के भी कयास लगाए जाने लगे और किसी से पूछने पर कोई जवाब नहीं दे रहा था। लेकिन जब लालू प्रसाद से मिलने के लिए राजगीर से सीधे नीतीश कुमार पहुँचते हैं, उसके बाद कहा जाता है कि सब कुछ ठीक ठाक हो गया है। अगर मन में कुछ था भी तो वो भी बात निकल गई है। उसके बाद आपको बता दें कि ये चर्चा शुरू हो गई कि सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, इस पर भी कोई बयान देने के लिए आगे नहीं आया। तो अंततः एक बार फिर से ये चर्चा शुरू हो गई कि अब इस पर जब तक राष्ट्रीय जनता दल के कर्ता धर्ता तेजस्वी यादव का बयान नहीं आता है, तब तक कोई भी बात स्पष्ट नहीं मानी जाएगी। हमें भी इंतजार था, तेजस्वी यादव ने बयान तो दिया और उन्होंने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, किसी तरह की कोई समस्या नहीं है, ये सिर्फ कयास हैं, हम इंडिया के थ्रू एनडीए को देश की सत्ता से बाहर कर देंगे। ये सारी बातें कहने के बाद अब जबकि उनके प्रवक्ता और मुख्य प्रवक्ता की तरफ से जो बयान आए हैं, वो बयान मीडिया को लेकर के दिए गए हैं। मीडिया को बताया गया है कि वो एजेंडा चलाते हैं। क्या कहा है शक्ति यादव ने, खास करके मीडिया के लोगों को और राजनीतिक गलियारे के लोगों को जरूर सुनना चाहिए। जिस तरह से शक्ति यादव ने मीडिया पर उंगली उठाई है और उसके बाद एजाज अहमद ने उनका समर्थन किया है, ये सुनिए क्या कह रहे हैं। बिहार में इन दिनों पोर्टल कुछ भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, महागठबंधन के खिलाफ खबर छापने के लिए, गलत तथ्य प्रस्तुत करने के लिए मानो सुपारी ले ली है। और इस तरह की खबरें नहीं परोसी जानी चाहिए जिसकी वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। मुख्यमंत्री मनाने चले गए, अतः इससे महागठबंधन के सेहत पर कोई असर पड़ने वाला है? महागठबंधन के जो अपने एजेंडे हैं वो देश हित में हैं, उसके व्यापक स्वरूप हैं, और हमारे जो समर्थक हैं, महागठबंधन को मानने वाले जो लोग हैं, इन खबरों से उन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। हमारे लोग अगर देखना बंद कर देंगे तो व्यूज के लिए लाले पड़ जाएंगे। इसलिए एक बात समझ लेनी चाहिए कि एक निष्पक्षता भी कोई चीज होती है, उसका भी अनुपालन होना चाहिए। लेकिन कुछ तो पता नहीं क्या हो गया है, क्या खबर चलानी है, क्या चलानी है। फलना खबर नहीं गए मीटिंग में तो फलना ने बहिष्कार कर दिया। इस तरह की खबरें कहीं से कोई सत्ता से लेना देना नहीं है। हमारे लोग अगर देखना बंद कर देंगे तो व्यूज के लाले पड़ जाएंगे। इसलिए बात समझ लेनी चाहिए कि अगर आप सानिध्यता प्राप्त कर लिया है, उसी के लिए काम करना है आपको, तो फिर बात अलग है। लेकिन एक मर्यादा, एक उसकी एक जो होती है पुटलों की, वह कायम रहनी चाहिए। हम तो सभी लोगों का सम्मान कर आ रही है कि तेजस्वी यादव नीतीश कुमार से नाराज है। कहां से आप लोग खबर लाते हैं? लगता है भारतीय जनता पार्टी आप लोगों को यही खबर प्लांट करके देती है क्या? सबसे बड़ी बात यह है कि जो बेहतर बॉन्डिंग है वो देश के स्तर पर भी महसूस की जा रही है, और देश ने भी महसूस किया है कि बिहार ने जो राजनीतिक दृष्टि दिया है
और जो राजनीतिक सोच को आगे बढ़ाया है उसको देश ने भी स्वीकार किया है। और आप देख रहे हैं कि सभी दल के नेता सामने आकर के इंडिया और एनडीए दोनों के बीच मुकाबला है। इंडिया के सामने अब एनडीए टिक नहीं पा रही है, तो आप कहां से कहां मामला ले जा रहे हैं। आपको तो पूछना चाहिए कि इंडिया से एनडीए कैसे मुकाबला करेगा, क्योंकि इंडिया के लोगों की चाहत है, आकांक्षा है कि अब मोदी की विदाई हो। इंडिया के लोगों की चाहत है कि महंगाई बढ़ाने वाली, समाज में नफरत फैलाने वाली, महिलाओं पर अत्याचार करने वाली, रोज़गार नहीं देने वाली सरकार अब तक बनी हुई क्यों है। इसीलिए देश की जनता के आकांक्षा के अनुरूप विपक्षी दलों ने इंडिया का निर्माण किया है। और इंडिया जो देश के अंदर माहौल है और देश के अंदर जिस तरह का राजनीतिक वातावरण तैयार किया जा रहा है, मणिपुर जैसे घटनाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है, उसके खिलाफ संकल्पित है कि हम किसी भी स्थिति और परिस्थिति में एनडीए के इन कार्यों को आगे नहीं बढ़ने देंगे जो कहीं ना कहीं देश को शर्मसार करती हो। कल राजगीर के उद्घाटन में विभाग के कई मंत्री नहीं गए, तेजस्वी भी नहीं गए। देखिए, कोई ज़रूरी नहीं है कि सब जगह हो, लेकिन एक बात समझ लीजिए, सरकार के स्तर से जो भी कार्य किए जा रहे हैं और पर्यटन मंत्रालय के माध्यम से जो कार्य किए जा रहे हैं वो देश में पर्यटन के क्षेत्र में एक बेहतर वातावरण का निर्माण करने में बिहार सहायक बन रहा है। और आप देख रहे हैं कि देश के स्तर से अब लोग बिहार में पर्यटन और पर्यटन को विकास की गति देने के लिए हर जगह से लोग आ रहे हैं पर्यटक क्षेत्रों को देखने के लिए। आपको समझना होगा कि जो सरकार है ये पूरी तरह से जनता और जनता की आकांक्षा पर खरी उतरी है और उस दिशा में कार्रवाई कर रही है। आप लोग कुछ और देखते हैं, हम लोग देखते हैं जनता को और जनता की नज़रों को, जनता की खुशी को, जनता के चेहरे को जिसमें मुस्कुराहट है, जिसमें भविष्य है। इसलिए जो बिहार में सरकार चल रही है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है, और लालू प्रसाद जी जो सामाजिक न्याय की धारा को मजबूती प्रदान किए हैं उस धारा के आधार पर सरकार एक्शन में है। जीतन रहमान जी का बयान आया है कि राजद और जदयू में मनमुटाव ज़्यादा हो रहा है। देखिए, जीतन राम मांझी अपना TRP ठीक करना चाहते हैं, क्योंकि नए नए जगह गए हैं तो उनको अपनी मान्यता बढ़ानी है ना, और उनको ये भी पता है कि कहीं ना कहीं वहाँ पर कंपटीशन भी है इन लोगों के बीच में, तो उस कंपटीशन प्रतिस्पर्धा के दौर में हम पीछे ना छूट जाएं, इसीलिए आगे बढ़ कर के बयानबाजी कर रहे हैं। इसमें और कोई मामला नहीं है। मांझी जी ऐसे भी 12th मैन हैं NDA के, और 12th मैन का क्या काम होता है सबको पता है। इसलिए जो स्वार्थ और परिवार के मुंह में राजनीति करता हो, जो विचार को त्यागता हो, उसके बारे में कहने की कोई आवश्यकता नहीं है, पूरा बिहार और देश जानता है। कल मणिपुर में हुई घटना को आप कैसे देख रहे हैं? मणिपुर की घटना देश को शर्मसार करने वाली है। 140 करोड़ लोग अपने आप को शर्मिंदा महसूस कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि माननीय प्रधानमंत्री जी जब ये बात बोलते हैं कि हम शर्मसार हैं, तो उनको ये भी देखना चाहिए कि उनकी सरकार है, उनकी सरकार रहते हुए देश शर्मसार हो रहा है, और वो सिर्फ बयानबाजी कर रहे हैं, ये चलने वाला नहीं है, देश को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाने वाला। UCC पे क्या कुछ कहेंगे? देखिए, इस मामले में मेरा स्पष्ट मत है कि अभी लॉ कमीशन के तरफ से सभी से सुझाव मांगे जा रहे हैं, जब सरकार की तरफ से प्रारूप सामने आएंगे तब हम इस पर विचार देंगे। लेकिन हमारी सरकार का, हमारे पार्टी का स्पष्ट मत है कि देश में नफरत और नफरत फैलाने वाली बातों को कभी भी आगे नहीं बढ़ने देना चाहिए। और जिस तरह की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है, उनको अगर देश में कॉमन सिस्टम लागू करना है तो सबसे पहले कॉमन स्कूलिंग सिस्टम लागू करें, कॉमन हेल्थ सिस्टम लागू करें, कॉमन एजुकेशन सिस्टम लागू करें, कॉमन जॉब सिस्टम लागू करें, और कॉमन महिलाओं पर हो रही अत्याचार को रोकने का सिस्टम लागू करें। इस पर इनका ध्यान नहीं है, इनको ध्यान है सिर्फ और सिर्फ नफरत और नफरत की राजनीति को बढ़ावा देना। अब इस देश में चलने वाला नहीं है। इस देश में इंडिया सशक्त रूप से सामने आके खड़ा हो गया है जो NDA की ऐसी राजनीति को रोकने का काम करेगा। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति
और बिहारियत से सरोकार रखनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली।